हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चॉकलेट समोसा। इसके लिए हम सबसे पहले ग्रेटेड डार्क चॉकलेट में हाफ कटोरी ग्रेटेड कोकोनट मिलाएंगे, आधा कटोरी किशमिश, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब 2 कटोरी मैदा लेंगे, आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे मिला लेंगे। हथेली की मदद से हम ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, आटे को इस तरह का हो जाना चाहिए जिससे मुट्ठी बांधने पे वो बन जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। हम समोसे के लिए चाशनी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 कटोरी चीनी डालेंगे और आधा कटोरी पानी डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और मिला लेंगे। अब हमारी 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा आटा लेके उसकी छोटी लोई बना लेंगे और उसे बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसे बीच से 2 पार्ट में काट लेंगे। अब हम किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हम इसमें 1 चम्मच अपने चॉकलेट की फिलिंग डालेंगे। हम इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें। अब हमें इसे अच्छे से सील करना है ताकि ये तलते वक्त खुले ना। ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और समोसों को तल लेंगे। इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे ही तलना है। तेज आंच पर समोसे तलने से समोसे अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, इसलिए हम इसे धीरे धीरे पकने देंगे। समोसे को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। एक एक समोसे को हम चाशनी में इससे कोट कर लेंगे और निकाल लेंगे। सारे समोसों को हम इसी तरह से चाशनी में डुबोकर निकाल लेंगे।
समोसों को गरम गरम ही चाशनी में डालें और चाशनी से निकाल कर इसे ठंडा होने के बाद सर्व करें। और चॉकलेट समोसे बनकर तैयार हैं।